जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आप लोग कैसे मित्रों? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा मैं वशीकरण लेके आई हूँ कि अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं और अगर आपको वो मिल नहीं पा रहा, अगर आप उसे चाहते हैं और तो फिर आप उसको कैसे वश में करें और आपको सच्चा प्यार आपको मिल जाए, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो फिर आपका रूठा हुआ प्यार, अगर आपसे प्यार करने वाला इंसान आपसे रूठ गया है और आपसे दूर चला गया है, तो आप इस वशीकरण को करेंगे तो आपका सच्चा प्यार आपके पास आ जाएगा। रूठे हुए प्यार को आप मना सकते हैं, पति कोई भी पति पत्नी इसको कर सकते हैं। ये ऐसा वशीकरण है कि आप अपने प्यार को पा सकते हैं और उठे हुए प्यार को मना सकते हैं, किसी भी देश चला गया हो, किसी भी जगह चला गया है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से ये होने वाला वशीकरण है। आप अपने प्यार को पा सकते हैं, बस ये कि आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। सच्चे प्यार, अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं, आप सच्ची मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो आप इसे करके और पा सकते हैं इस वशीकरण को। बहुत ही आसान सा है। बस एक इसके लिए एक प्लेन कागज़ चाहिए, एक आपको काली स्याही वाला पेन चाहिए और एक लौंग। बस इतनी सी सामग्री, इसकी यही विधि है। बस ये तीन चीज़ें चाहिए आपको, कागज़, पेन और एक लौंग। इसी से आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने सच्चे प्यार को कैसे पा सकते हैं। आप इस वशीकरण को करके अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अपने पास ला सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं अपना वशीकरण, आपको बताते हैं कि कैसे करना है और क्या। तो आपने जैसे प्लेन कागज़ ले लिया, मैंने ये जो यंत्र बनाए हैं, जो मैंने इसमें शब्द लिखे, बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही लिख लेना है। लिखने के बाद आप इसको एक इस पर लौंग रख लें, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, शब्द बिल्कुल यही लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने मंत्र भी लिख दिया है कि मंत्र में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओम नमो माँ दक्षिणे मम पति मैं वश करूँ स्वाहा, इस तरीके का मंत्र लिखा हुआ है। और आपको इजी सा मैं मंत्र बता देती हूँ, अगर इस मंत्र में भी दिक्कत होती है तो आपने मंत्र बोलना है ओम नमो ही वश स्वाहा, बस आपने इतना बोलना है। नहीं तो ये लिखा हुआ मंत्र आपने बोल देना है 21 बार, इस बारी इसको मंत्र को बोलना है। ये लौंग और ये कागज़ बिल्कुल अभिमंत्रित हो जाएंगे और आपको दिन शुक्रवार का लेना है। ये दिन शुक्रवार के दिन जैसे नहा धो के आप फ्रेश हो जाएं और आसन लेके आप बैठ जाएं इसको बनाने के लिए, यंत्र को कागज़ पे एक प्लेन कागज़ लेके इसको यंत्र को बना लें। और ये शाम को 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में करना है। करने के बाद आपने रात्रि के टाइम से पहले इसे अभिमंत्रित कर लें, करके इसको अपने तकिए के नीचे रख लें। रखने के बाद जैसे रात के 12 बजे उसी टाइम में आपने इसको जला देना है। जलाने के बाद बस आप हाथ मुँह धो के और सो जाएं, आपका उसी टाइम से वशीकरण काम करना शुरू कर देगा। आपका रूठा हुआ प्यार आपसे मान जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आपसे बात करेगा। और अगर कोई भी पति पत्नी के ऊपर कर रहा है, पति पत्नी के ऊपर कर रहा है, तब भी काम करेगा। तो ये अगर आपका पति आपका आपसे रूठ गए, आपसे बात नहीं कर रहे, या आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, शादीशुदा लाइफ अगर आपकी बिगड़ रही है, आप दोनों में झगड़े ही होते हैं, या आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तो फिर आप ऐसे में करेंगे इस वशीकरण को तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बिल्कुल सुखमय बना सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं, आप अपने सच्चे प्यार को पा सकते हैं। तो ये वशीकरण कैसा लगा आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लगा तो जय महाकाली ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आगे फिर मित्रों ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वशीकरण के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें कि सभी का भला होता रहे, सभी को सच्चा प्यार अपना मिलता रहे। आगे फिर मिलते हैं एक नए वशीकरण के साथ में।